कैसे आप सब लोग। तो भाई स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज आपके लिए आया हूं नई वीडियो, जो जिसमें कि मैं दिखाऊंगा आपको सिरिंज पंप को कैसे यूज करते हैं और सिरिंज पंप पे कौन कौन सी सिरिंज हम लगा सकते हैं। तो ये होगी पीएमओ लाइन, पीएमओ लाइन को हमने कनेक्ट करना है पीएमएल सिरिंज में। तो ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, उसके बाद इसको डीएयर कर दिया, अच्छे से डीएयर कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसको सिरिंज पंप पे लगाना कैसे है, कि 50 एमएल का सिरिंज अब इसको कैसे लगाना। तो ये आ गया सिरिंज पंप का जो प्लंजर होता है भाई, इसका जो ये प्लंजर है और ये सिरिंज क्लैंप। तो ये सिरिंज क्लैंप को खोल दिया और प्लंजर को अपना ये आगे पीछे मूव होता है तो इसको पीछे कर लिया। और उसके बाद ये स्पेस बना हुआ है, ये दिख रहा होगा भाई आपको। तो इस स्पेस में ये जो 50 एमएल की सिरिंज में जो ये स्पेस ये बना हुआ है, जो एरिया दिखा रहा है, ये इसे यहाँ पे लगाना है। उसके बाद जो प्लंजर को सिरिंज के प्लंजर में फिट करना है, तो ये आपका फिट हो गया यहाँ पे ऐसे। और उसके बाद सिरिंज क्लैंप को आपने क्लैंप कर दिया। तो इसको क्लैंप करने के बाद अब आपको मेडिसिन, जो भी आपकी मेडिसिन है, जो भी आपके एनेस्थीसिया वाले ने आपको बताया कि इतने एमएल बराबर में चलानी है, तो आपको वो यहाँ पे मेंशन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला इसके जो बटन है, रेड बटन है और ये ग्रीन बटन। तो रेड बटन किस काम आता है और ग्रीन बटन किस काम आता है। और ये जो आपके एरो के दिख रहे हैं एरो, तो ये मेडिसिन का जो सेट करेंगे मेडिसिन, उसको प्लस माइनस करने के लिए। तो अभी मान लो मैंने कोई भी मेडिसिन है, इसको मैंने 50 में चलाना है या 15 में चलाना है, तो ये मैं इसको 20 में कर दिया, मतलब 20 में कर दिया। तो अब इसको चलाना कैसे, अभी 20 सेट कर दिया और ये किस में है, एमएल पर आवर है, कि कितने एमएल पर आवर मुझे मेडिसिन देनी है। तो मैंने 20 एमएल पर आवर सेट करी हुई है, ठीक है। तो इसको अभी ऑन कैसे करना है, ये देखिए अभी तो यहाँ दिखा रहा है 20 दिखा रहा है, 50 एमएल की सिरिंज मैंने लगाई है, वो इसमें रीड कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब मैंने इसको ग्रीन वाले बटन से इसको ऑन करना है, तभी ये चालू हो पाएगा। अगर ये ऐसे देखेगा तो भाई ऐसे में ये चला नहीं है अभी। इसको भी चलाने के लिए हमें क्या करना है, एक बार ग्रीन बटन को प्रेस करना है। उसके बाद ग्रीन बटन में आपको देखिए ये दिख रहा है कि 20 में चल गई। आपको ये देखिए सिरिंज का यहाँ पे ये लाइट दिख रही होगी भाई, ये देखिए ये सिरिंज में मेडिसिन जा रही है, ये उसका साइन बना रही है कि यहां से कुछ जा रहा है, ऐसे साइन बना रही है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने पेशेंट के साथ ये पीएमओ लाइन को कनेक्ट कर देना और यहाँ पे जो भी अपने सेट करा है उसको प्रॉपर, तो पेशेंट को कनेक्ट कर दिया अपने पीएमओ लाइन। तो उसके बाद क्या होता है, सिरिंज पंप में कई बार बहुत सारे अलार्म आते हैं, तो मैं दिखाता हूँ किस टाइप के अलार्म आते हैं आपको। तो कई बार होता है जी मेडिसिन नहीं जा रही होती है, सिरिंज पंप अलार्म करता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि कैसे अलार्म आएंगे। तो ये देखिए, अब ये देखना यहाँ पे, ये देखिए ये ऑक्लूजन का एक अलार्म आ रहा है। तो ऑक्लूजन का मतलब क्या होता है, ऑक्लूजन का मतलब होता है कि ये देखिए मैंने आगे से ब्लॉक कर रखी है लाइन, तभी ये आगे मेडिसिन नहीं पुश कर रहा है, इसलिए ये ऑक्लूजन का अलार्म दिखा रहा है। जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा, ऑक्लूजन का अलार्म इसका बंद हो जाएगा अपने आप। तो ऑक्लूजन का अलार्म कब आएगा, जब ये आगे से ब्लॉक होगी कहीं से भी। तो इसके लिए ऑक्लूजन का अलार्म है, तो अपने तो अलार्म को ये देखिए पोज आता है ना, ऑडियो पोज करने के लिए इसमें बटन दे रखा है, यहाँ से पोज कर दिया। उसके बाद आपको दोबारा इसको चलाना होगा, ये देखिए। अब अगर आपको पता लग गया कि कहाँ से ये ब्लॉक था, अगर वहां से आपने उसको सही कर दिया, तो उसके बाद ऑक्लूजन का अलार्म नहीं आएगा। और इसमें एक और अलार्म आता है, वो है इसमें नियर बाय एम्प्टी। अगर आपको ये दिख रहा होगा तो ऑक्लूजन का अलार्म तो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है नियर एम्प्टी। तो नियर एम्प्टी तब होगा जब जो मेडिसिन है सिरिंज में वो अगर नियर, मतलब 5 या 10 ml बचती है, तो ये अलार्म देने करता है। ये एक चेतावनी होती है, जिस तरह की ये अब खत्म होने वाली है, अगर आपको दूसरी ड्रग्स प्रिपेयर करके रखिए। और दूसरा होता है बिल्कुल एम्प्टी में, ये देखिए तीसरे नंबर में आता है बिल्कुल एम्प्टी, जो कि मैं यहाँ देखिए अब सिरिंज पंप पे लिखा है एम्प्टी। तो जब एम्प्टी का अलार्म आएगा तो ये बिल्कुल खाली हो जाएगी, तभी एम्प्टी का शाइन आपको यहाँ पे जो अलार्म है ये देने लग जाएगा, जो यहाँ पे आपको ब्लिंक करते हुए दिखेगा एम्प्टी में। तो ये तो हो गया इसका अलार्म सिस्टम। तो उसके बाद क्या है भाई, इसमें ये देखिए यहाँ पे एक बटन दे रखा है बोलस और टोटल, ठीक है। तो बोलस कैसे देते हैं, कई बार क्या होता है पेशेंट को बोलस देना होता है, मान लो मसल रिडक्शन पेशेंट को दे रखा है और पेशेंट फिर भी उसका मसल रिडक्शन नहीं है, तो कई बार सर्जन बोलते हैं कि आप मसल रिडक्शन नहीं है, तो इसलिए बोलस एनेस्थीसिया वाला क्या करता है कि बोलस देता है। तो बोलस देने के लिए वो क्या करेगा, बोलस देने के लिए इसमें जो बटन दे रखा था आपको कहना बोलस को और टोटल को दोनों को साथ में दबाना है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि बोलस कितना जा रहा है, ये देखिए ये फास्ट मेडिसिन पुश करेगा, ये देखिए बोलस मतलब होता है फास्ट मेडिसिन पुश करना। तो यहाँ से बोलस बटन, अगर आपने बोलस को और टोटल को दोनों को प्रेस करेंगे तब दिखेगा कि ये बोलस जा रहा है, ये देखिए ये दोनों को साथ में प्रेस करके रखना होता है, तब ये बोलस जाएगा इसमें से। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था बोलस कैसे थे। और ये रहा यहाँ पे एक बटन और है जी ऑडियो पोज। तो ऑडियो पोज किस लिए करते हैं, ऑडियो पोज में जो भी अलार्म आता है तो पोज करते हैं, भाई नहीं है भाई एम्प्टी सिरिंज हो रही है और अलार्म दे रहा है, तो आपको पता है कि मैंने नई मेडिसिन बना लिया है, अभी अलार्म दे रहा है, तो आपको यहाँ से ऑडियो पोज कर देनी है ताकि ये अलार्म ना करे। और ऊपर आता है सिलेक्ट का बटन, सिलेक्ट के बटन से क्या होता है भाई, जो भी आप मोड यहाँ से चेंज कर रहे हो ना वो मोड वो सिलेक्ट करता है यहाँ से, और उसके बाद अपने ग्रीन बटन से ओके कर देना है। और जो रेड बटन आपको दिख रहा होगा, कोई भी मेडिसिन चल रही होगी अगर रुकी, जब मान लो मैंने मेडिसिन को रोक दिया, मैंने अभी स्टॉप कर दिया, अब स्टॉप करूंगा तो चालू तो ग्रीन से कर दिया, लेकिन क्या करेगा जब अगर मैंने बोलस देना होगा रुकी, जब रुके मेडिसिन रुक जाती है इसमें नहीं जाता है, तो अब बोलस नहीं दे सकते। ये देखिए ये बोलस का बटन मैं प्रेस करके टोटल, अगर आपने स्टॉप कर रखा है और बोलस दे रहे हो तो नहीं जाएगा हमेशा इसको, जब वर्किंग इसके लिए होगा तो ये जब मेडिसिन जा रही होगी तभी जाएगा, अपने इसको चालू करना है उसके बाद इसका बोलस दे सकते हो, ये देखिए।
तो ये तो दिखाया मैंने आपको सिरिंज पंप कैसे काम करता है और कैसे इसकी मेडिसिन सेट करनी है और कैसे इसमें सिरिंज लगाई जाती है, ये कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन से अलार्म है, वो बोलस कैसे देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।